रीजन क्या है इतनी मतलब इस भीड़ में क्यों ले रहे हैं? क्या ना कोई कानून पास हुआ है क्या? कमर्शियल गाड़ियां जो है उनको कोई भी मतलब एक्सीडेंटल केस होता है कोई उसमें कहते हैं कि 10 साल कोई जमानत ही नहीं है, 10 साल के लिए कोई जमानत ही नहीं है और 10 लाख रुपये जुर्माना देना है। उस वजह से ये प्रॉब्लम क्राइसिस उठ गए हैं। फयाज अहमद हूँ सदा बहार सर्विस स्टेशन से। ये क्राइसिस कल लगभग 1st से हुई है। तो ये टैंकर ड्राइवरों की स्ट्राइक है। टैंकर ड्राइवर सारे जम्मू में भी और श्रीनगर में भी ये ना स्ट्राइक पर चले गए। जब तक हमें पीछे से सप्लाई नहीं आएगी हम ना सप्लाई दे नहीं सकेंगे। आपके पास कितनी सप्लाई अभी मयसर है और मेरे हमारे पास ठीक ठाक है लेकिन सब ना ये ना फुल टैंक कर रहे हैं। नहीं तो हमारे पास कम से कम 4-5 दिन की क्या स्टॉक था। तो स्टॉक की जो कि ये सब फुल टैंक कर रहे हैं इसकी वजह से मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन का रहेगा बस। एक दिन का। तो ये मुझे बताइए कि क्या गवर्नमेंट से कुछ अपील करेंगे आप? यही कि जो इनकी ये डिमांड है, जो अगर इनकी कोई जेन्युइन डिमांड है वो पूरी करेंगे तो स्ट्राइक ऑफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।